जमानत मिलने के बाद प्रेमी सचिन के ग्रेटर नोएडा स्थित घर में रह रही सीमा का सोमवार को अपने पुराने पति गुलाम हैदर से आमना सामना हुआ। टीवी चैनल ने सीमा, सचिन और गुलाम हैदर की लाइव बातचीत कराई। पाकिस्तान से निकलने के बाद पहली बार सीमा और उसका पति गुलाम आमने सामने आए थे। सऊदी अरब में रह रहे गुलाम हैदर और सीमा के बीच बातचीत के दौरान काफी गहमा गहमी देखने को मिली। गुलाम हैदर: मैं बच्चों के साथ सीमा को वापस लेने के लिए तैयार हूं। मैंने सीमा को अब तक तलाक नहीं दिया है। सीमा ने गुलाम की बात को नकारते हुए कहा, वो दो बार जुबानी तलाक दे चुका है। भारत का कानून हो या पाकिस्तान का कानून, औरत को आवाज उठाने का हक है। ये गुलाम हैदर का गांव नहीं है, औरत को दो चांटे मार कर बिठा दो। सीमा यही नहीं रुकी, उसने हैदर को करारा जवाब देते हुए कहा, मैं पाकिस्तान से यहाँ आ सकती हूँ तो क्या इससे नहीं लड़ सकती? यदि मुझे पाकिस्तान आना भी पड़ा तो तुम लोग मार दो भले ही, लेकिन तुम्हारी कभी नहीं बनूंगी। मैं सचिन की पत्नी हूँ और इनकी रहूंगी। मैं सचिन से दूर जिंदा नहीं रहूंगी। मैं सीमा को नहीं मारूंगा, ये मेरे बच्चों के भविष्य का सवाल है। सीमा ने पहले पति पर मारपीट के आरोप लगाए और कहा कि वो अब अपनी आगे की जिंदगी सचिन के साथ ही बिताना चाहती है। मैं अब बच्ची नहीं रही। जब हैदर से शादी हुई थी तब मैं बच्ची थी, 17-18 साल की थी। अब मैं बच्ची नहीं हूँ, 27 साल की हूँ। अपना भला बुरा समझ सकती हूँ। रही बात सचिन को छोड़ने की, तो ऐसा कभी नहीं होगा। यदि हैदर मुझे इज्जत देते, मेरे बच्चों को इज्जत देते, हर वक्त मुझसे झगड़ा नहीं करते, गाली गलौच नहीं करते, तो शायद मैं इनके बारे में सोचती और यहाँ तक नहीं आती। मेरे पिता की मौत के बाद वहाँ कोई नहीं था जिसके बारे में मैं सोचती। बता दें, सीमा ने मीडिया को बताया था कि लॉकडाउन के वक्त पबजी खेलने के दौरान सचिन से बातचीत हुई थी। धीरे धीरे बातचीत प्यार में बदली और वो फिर नेपाल के रास्ते भारत भाग आई थी।